तो वेलकम वंस अगेन बैक गाइस। सो फ्लाइंग बीस्ट का वीडियो आ चुका है जो कि उन लोगों ने अब अपनी क्लेरिफिकेशन दी है कि ये कोई पीआर स्टंट था या फिर क्या था इसके बारे में। अब सही मायने में फ्लाइंग बीस्ट ने अपनी जो एक वीडियो होती है वो रिलीज़ करी है और देखते हैं इस वीडियो में क्या कहना है उनका। बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी लोग खेलने लग गए थे और बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन लोग ने क्रिएट कर दी थी अराउंड दिस कपल कि इन लोगों का डिवोर्स होने वाला, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड उसी क्लैरिफिकेशन के लिए अब फाइनली वीडियो आ गया, तो वीडियो को देखते हैं, रिएक्शन देते हैं इस पर कि क्या है इसमें, फ्लाइंग बीस्ट ने क्या कहा है। एंड अगर आप लोग नए चैनल पर, मेक श्योर यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, लेट्स गो। हाय एवरीवन, देखते हैं क्या ये है। वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमें सही में फॉलो करते हैं। आई थिंक आप सब ने सोशल मीडिया में जो अभी हमारे इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। बहुत फेक न्यूज लिटरली भाई, सब ने मतलब पता है इतनी फेक न्यूज़ थी ना भाई, जिसको देखो लग गया भाई डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, सेलिब्रिटी क्या आ जा ये वो भाई, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला और लोगों ने कुछ हल्का सा सुना और पूरी कहानी बता दी। गौरव तनेजा और ऋतु राठी के डिवोर्स रूमर सभी का ध्यान खींच रहे थे। ऋतु राठी ने पहले भी गौरव तनेजा के ऊपर एफआईआर और केस वगैरह करके रखा है। पहले भी FIR वो करवाई नहीं थी, FIR हो गई थी। वो नोएडा में एक जगह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे, वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जिन्होंने वो वीडियो देखा जाके आप उनके चैनल पे देख सकते हैं, फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पे, तो वहाँ पे सीन क्रिएट हो गया था अराउंड दी मेट्रो स्टेशन। तो उस दौरान उनको जेल में, मतलब जेल नहीं कहूँगा मैं, उनको पुलिस स्टेशन लेके जाया गया था बिकॉज वहाँ पे बहुत क्राउड इकट्ठा हो गया था। अभी इतना तो नहीं बोला था भाई, ये कुछ ज्यादा हो गया भाई। आप देखो केस नंबर वगैरह है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूं। भाई ये कौन है ये लेडी, उनसे ज्यादा तो इसको पता है उसकी लाइफ के बारे में, लाइफ के बारे में कौन है ये लोग, किसी और के जीवन में कुछ होता है ना रोड या सेट को लोग उस चीज पे बिलीव कर लेते हैं कि इंटरनेट पे जो कंट्रोवर्सी, जो रूमर स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, रूमर्स चल रही होती हैं और जब इतने सारे लोग एक ही चीज के बारे में, एक ही रूमर के बारे में बात करते हैं तो लोगों को वो सच लगने लगता है। देखिए ये बात शुरू हुई थी जब प्रेमानंद महाराज जी को वीडियो आउट हुआ था और जहां पे ऋतु गई थी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने, लोगों को ऐसा लगा कि ये पीआर स्टंट है। देखिए ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, जो लोग प्रेमानंद महाराज जी को सही में फॉलो करते हैं उनको दूध का दूध और पानी का पानी ऑलरेडी हो चुका है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, और जितने भी वीडियो पे इसका लोगों ने कुछ और ही मतलब निकाल दिया, उस पोस्ट को लेके अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। अनफॉर्चुनेटली किसी को भी उसका मतलब समझ में नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं दोज हु लव मी आई लव देम बैक, कुछ लोगों ने उसका मतलब निकाला कि जो जो लोग कभी भी किसी को प्यार किया है वही समझ सकते हैं, बला बला बला। तो इससे ये क्लियर होगा कि 99.9% लोग शायद उतनी डेप्थ में प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो नहीं करते। हाँ वो जानते हैं वो कौन है, एक संत है, वृंदावन में निवास करते हैं, वो सत्संग करते हैं, एकांतिक करते हैं, बट अगर कोई प्रेमानंद जी महाराज को एक हफ्ता भी सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा जो जो प्यारो करे का मतलब क्या है। पता है कहीं ना प्रॉब्लम ही लगती है मुझे कि भाई सबसे ज्यादा वो लोग बकवास करते हैं जिनको कुछ नहीं पता, दे लिटरली हैव नो आइडिया कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है, उस किसी की जिंदगी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और एक्चुअली उनको कुछ पता नहीं है, बट दे आर बिहेविंग लाइक भाई उनको सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग, दे नो नथिंग, और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर ही है। और जिन्हें कुछ पता होता ना थोड़ा बहुत भी, वो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से बोल नहीं पाते और इसी वजह से जो झूठ है वो इतना सच लगने लग जाता है। उनके जीवन का सार है और श्री हित 84 का जो पद है, 84 पद है उसमें, उसमें पहला वाक्य पहला सेंटेंस वो है। तो जब आप प्रेमानंद जी महाराज को ठीक से नहीं जानते, ये नहीं जानते कि उनके एकांतिक और सत्संग कैसे फंक्शन करते हैं, तो आपको वो पीआर ही लगेगा क्योंकि ऐसा ही मीडिया ने उसको पोर्ट्रे किया है। देखिए कभी भी जब कोई प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में जाता है और अपना प्रश्न सामने रखता है तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, नवल नागरी बाबा हैं जो प्रश्न भक्तों के पूछते हैं, वो सबसे पहले श्री सुषमा जी इंदौर से, श्री राकेश जी बिहार से, सबसे पहले वो नाम और वो कहाँ से है पूछते हैं, फिर कैमरा पैन होता है उन। मुझे भी वैसे डाउट हुआ था क्योंकि ना जो भी मैंने कुछ वीडियोस देखे ना उनमें पहले क्या होता है, नाम लिया जाता है, देन कैमरा उस तरफ जाता है, जो भी इन्होंने बताया कि फ्लाइंग बीस्ट ने, देन उसके बाद वो क्वेश्चन वो वहाँ से पूछते हैं, उनका एक पर्सपेक्टिव एक दिखाया जाता है कैमरा ले जाके कि कौन है वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर चलो कैमरे में फेस नहीं दिखाना चाहते तो एटलीस्ट नाम लिया जाता है, बट ऐसा उस वीडियो में कुछ था नहीं।
और आजकल AI तो है ही। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, जाके आप देख सकते हैं, मैंने बोला था कि शायद ये AI का कुछ सीन हो सकता है, बिकॉज AI बहुत एडवांस हो चुकी है। जब आपका फेस क्लोन किया जा सकता है तो आवाज़ तो चिट्टियों का खेल है भाई। सुरेश कुमार जी, जौनपुर से। नाम लिया जाता है, मतलब मुरादाबाद से। श्री हरिवंश महाराज। लक्ष्मी सिंह जी, रजिस्टर्ड। वंश जी, लंदन से। अमित जी, दिल्ली से। आशुतोष दुबे जी, अयोध्या जी से। तो जब रितु गई थी, डेफिनेटली हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरे और रितु के बीच में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो रितु लगा मैं महाराज जी के सामने अपना प्रश्न रखती हूँ। उन्होंने वहाँ पर रिक्वेस्ट की कि मुझे एकदम एकांतिक समय चाहिए। प्रेमन जी महाराज बहुत बिजी रहते हैं, तो एकदम वन टू वन एकांतिक समय नहीं दे पाए। बट जो एकांतिक जो टीवी पे आता है, जो यूट्यूब पे आता है, उसमें रितु को स्लॉट मिला। और रितु ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी आइडेंटिटी प्लीज़ हिडन रखिएगा, और उन्होंने इसका रिस्पेक्ट भी किया। तो आप देखेंगे जब रितु ने अपना सवाल पूछा था, रितु का नाम भी नहीं लिया गया था और वो कहाँ से हैं ऑब्वियसली, प्लस कैमरा उनके ऊपर पैन करके भी नहीं आया था। प्रीति से भगवत प्राप्ति होते हैं। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, तो सवाल पूछने लगे, तो बीच में किसी को उसी सवाल में फर्दर क्लैरिफिकेशन हो रहे, तो वहाँ रितु ने अपना फर्दर क्लैरिफिकेशन पूछा और तब रितु की आवाज वहाँ पे आई। मैं ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। तो लोगों ने रितु की आवाज को वहां से पकड़ लिया कि ये रितु राठी। बट सवाल थोड़ा सा ये भी आता है, जो वीडियो में भी पता चलेगा शायद, कि क्यों ऐसा सवाल वहां जाके क्यों पूछा गया। फैमिली मैटर है और कुछ उसमें शायद ये बातें भी थी कि मेरी दो बच्चियां हैं, मैं उनको कैसे पालूंगी, मेरा सिर्फ एक, मेरे पास नौकरी है बट मैं सोच रही हूँ कि कैसे, मतलब वो चीज़ दिमाग में क्यों आई, मतलब वो सेकंड थॉट क्यों आया। आपके दिमाग में सेकंड थॉट कब आता है? जब आप कंफर्म नहीं होते हो किसी एक चीज़ के लिए, तो आपके दिमाग में हमेशा एक सेकंड थॉट चलता है, सेकंड ऑप्शन या ओपिनियन लेके चलते हैं आप। क्यों आया की आवाज़ है। आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी ऐसा होता है कि किसी बंदे को फर्दर क्लैरिफिकेशन भी होते हैं, तो कैमरा हमेशा उन पे पैन करता है, उनको दिखाया जाता है कि वो क्या पूछ रहे हैं। बट रितु के केस में ऐसा नहीं हुआ था। प्रयास करें कि हमारा नाम न छूटे। मैं करता हूं महाराज जी। दूसरी चीज, जब किसी ने प्रश्न पूछा है तो जनरली बीच बीच में पूरी ऑडियंस पे भी कैमरा पैन होता है। अनफॉर्चुनेटली या कह रहे हैं भगवान की मर्जी थी, वहाँ पे जब किसी और का प्रश्न था तो रितु बैठी हुई थी, वहाँ पे रितु की एक इमेज आ गई थी और लोगों ने उसको पकड़ के वायरल कर दिया। कुछ चीज़ें होती है जो आपके हाथ में होती ही नहीं है, जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो इस प्रकार से वो वीडियो बाहर गया लोगों में, और जो लोग प्रेमानंद जी को फॉलो नहीं करते उनको ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल था, रितु ने कभी बोला नहीं कि उसकी आइडेंटिटी हाइड की जाए, उनका मकसद यही था कि ये वीडियो वहाँ से बाहर हो। तो दिस वाज द इंटायर स्टोरी ऑफ प्रेमानंद जी महाराज एपिसोड। हमने तो रितु ने पूरी कोशिश की थी कि वो हिडन रहे, बट जो भगवान को करना होता है वो हो ही जाता है। तो जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, 27 अगस्त की डेट थी, हम अबू धाबी में थे एंड मैं निकल रहा था अबू धाबी से, फ्लाइट पे आ गया, फ्लाइट पर पता नहीं चला, बट जैसे ही लैंड हुए तब पता चला कि ये चीज़ इतनी वायरल हो गई है और उसको हर एक न्यूज़पेपर, हर एक मीडिया हाउस, हर एक चैनल ने, एवरी क्रिएटर ऑन यूट्यूब ऑलमोस्ट कवर्ड इट। एंड आप लोग आई होप थोड़ा ध्यान से इसे सुन रहे होंगे और एनालाइज कर रहे होंगे। उस चीज़ को एक ऐसा नाम दे दिया गया कि मैंने चीट किया है, मैं अबू धाबी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ें लगाई गई। जब ऐसा अगर किसी स्त्री के चरित्र पे क्वेश्चन उठते हैं तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, फेमिनिज्म वाले खड़े हो जाते हैं, वेमेन सपोर्ट वाले खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी के कैरेक्टर को बैश करा सोशल मीडिया पे, किसी को लगा, सबको लगा नॉर्मल है और फेल के करते हैं। कि अगर यहीं पे एक फीमेल होती तो बहुत लोग खड़े हो जाते, अफकोर्स डिपेंड करने के लिए, बिकॉज या हम सबके हार्ट के अंदर एक छोटा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर में ना वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप कोई गलती से भी वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है तो हम एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं उस चीज़ के ऊपर। बट हाँ, मेल्स के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर हम लोगों के दिल में नहीं होता है ज़्यादातर। तो या ही इज़ राइट एट दिस पॉइंट कि अगर वहाँ पे उसकी अगर ये खुद हैं तो बैश करा गया, बट इनकी वाइफ होती तो काफ़ी लोग डिफेंड करने आ जाते। पहली बार जब ये न्यूज़ पिकअप हुई तो पूरा नैरेटिव था कि रितु सैड है, वो रो रही है, वो पेन में है और मेरे को एक चीटर बना देगा कि मैं तो भाई चीट करता हूँ अपनी वाइफ को। फिर जब रितु ने अपने इंस्टाग्राम पे जो क्लैरिफिकेशन वीडियो डाला कि मैं इस बंदे को 8 साल से जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ वो कैसा है क्या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है वो हस्बैंड वाइफ मिलके सॉल्व कर लेंगे। हाँ, मतलब उनके घर का मैटर है भाई, लोग कूद पड़ते हैं भाई इसमें, नहीं हम सॉल्व करेंगे आपके घर का मैटर, हम भाई नहीं, रहने दो, कुछ चीज़ों को रहने दो भाई।
छोड़ दो, लेट इट बी। इन एंड आउट मैं जाऊं, होगी कुछ बात, हो जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी। जब ये वीडियो आ गया उसके बाद पूरा नैरेटिव शिफ्ट, अब चीटर वाला नैरेटिव काम करता नहीं, वो शिफ्ट हो गया कि एक पीआर स्टंट है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ और किया वो इंटरनेट ने ही किया, वो अपने आप लोगों ने किया, न्यूज़पेपर्स ने किया, YouTube चैनल मतलब बातें बनती चल रही हैं आगे से आगे। और मीम पेजेस ने किया। इंटरनेट पे इतने लोगों के इतने सारे ओपिनियंस बन जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक को जस्टिफाई करना। इसलिए वी डिसाइडेड कि यार हम चुप ही रहते हैं, जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी लोग किसी बारे में बात कर रहे होते ना, फिर एक ट्रेंड चालू होता है, स्नोबॉल इफेक्ट। मतलब वो लोग भी इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना जाने हुए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या। बहुत लोगों ने शायद वो मुझे जानते भी नहीं होंगे, फ्लाइंग बिस्को ने जानते भी नहीं होंगे, लेकिन सब लोग भर भर के ट्वीट कर रहे थे। लेकिन अगर आपको बताऊं सच्चाई से, ये एक पीआर एक्टिविटी थी, और किसने कराई थी ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो ये पीआर एक्टिविटी थी, बट किसने करवाई थी? अगर इन्होंने नहीं करवाई तो फिर किसने? हर आदमी, हर औरत अपनी अपनी मन की स्टोरीज बता रहा था। कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम कर दिया कि मेरे पे एफआईआर हो चुकी है किसी किसी दफा के अंदर, उनके पास एफआईआर की कॉपी भी है। दैट्स एक्चुअली टू मच। कौन है ये लेडी? आई डोंट नो, बट दैट्स एक्चुअली टू मच। ट्विटर पे पकड़ ली। बहुत सारे प्रोफाइल्स जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स होते हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, सेम कट कॉपी पेस्ट सेम ट्वीट बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। ओके, लिखा था गौरव चीटेड ऑन हिज वाइफ एंड लेफ्ट हर अलोन विद। एक्चुअली ना ये एक ना हमारी सोसाइटी का ऐसा चेहरा दिखाता है कि दिस शोज एक्चुअली कि किसी के घर में आग लगती है, बर्बादी होती है, तो कितना लोग खुश होते हैं उस चीज़ में। मतलब दीज डेज हमारी सोसाइटी इस तरीके की बन चुकी है भाई, अगर किसी के घर में आग लगती है, किसी का कुछ बुरा होता है, तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। वाह क्या न्यूज़ सुनाई है, इसे तो पोस्ट करेंगे हम। Two kids, end of love marriages, divorce. एक और ट्वीट सिमिलर वायरल जाने लगा। My God, एक गौरव इज एंजॉयिंग हिज हॉलिडेज इन अबू धाबी विद हिज रूम। ये कौन लोग है भाई, इतना वक्त है इनके पास, बेरोजगार है ये लोग भाई लिटरली। एक्चुअली क्या मतलब सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल कर रहे लोग, शॉकिंग यूट्यूबर कौन अपने जाके फ्लाइंग पीस स्पॉटेड वेकेशनिंग इन अबू धाबी विद रूमर्ड गर्लफ्रेंड। कहां से आई, किसी ने देखा क्यों नहीं? मिस्टर इंडिया की बहन है क्या वो? एंड मिस चीटिंग एलिगेशंस, वाइफ रितु बाड़ी स्ट्रगल्स विद डिप्रेशन एंड सीक्स व्हाट सीक्स उमर गर्लफ्रेंड। मतलब मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बना दी गई जिसके साथ मैं अबू धाबी में छुट्टियां मना रहा था, जबकि मैंने उस दिन व्लॉग भी पोस्ट किया था कि मैं फैमिली और बच्चों के साथ हूँ। वहां से मेरी एक स्टोरी वायरल हो गई थी जहां पे पीछे एक लेडी की आवाज आ रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो रितु की आवाज है। तब तक ये पीआर मामला पकड़ चुका था और ये लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, बस पीआर बना रहे हैं ये लोग कि इनका डिवोर्स होने वाला है। एक्चुअली वो आवाज मेरी मम्मी की थी। एक भाई साहब ने कहीं ना कहीं के तार जोड़ के इस पूरे इंसिडेंट से मुझे मोदी भक्त डिक्लेयर कर। माय गॉड भाई, एक तो भाई आज का सोशल मीडिया पे ना किसी का विश्वास मत करना, लोग कुछ भी लिख रहे हैं। इंटरनेट की आजादी मिल गई है, जब से चीप इंटरनेट लोगों के हाथ में आया है, लोग चीप इंटरनेट comes with cheap people. वो चीप ऑडियंस आ चुकी है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जिस भी सोशल मीडिया को उठा कर देख लो, वो चीप ऑडियंस बैठी है। उसे कोई मतलब नहीं है, तुम सेंस में करो या ना करो भाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आएगा, नॉनसेंस ही बातें करेगा और चलता बढ़ेगा, क्योंकि फ्री है ना भाई, चीप इंटरनेट उसको मिल रहा है, वो कुछ भी लिख सकता है उस पर। कोई पकड़ नहीं रहा है इनको। अब सोचो इन लोगों के ऊपर कोई केसेस नहीं होंगे, कोई इनको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि निकल जाएंगे। साइबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट है नहीं, मतलब वो कुछ भी लिख रहा है उसके बारे में, उसके सेंटीमेंट्स बाहर में गए, उसके इमोशंस बाहर में गए, उसकी प्राइवेसी बाहर में गई, उसके कोई भी पर्सनल मैटर है या फिर कोई भी उसकी जैसे कहते ना कि उस पर एक डिफेम कर रहा है वो, बेसिकली बाहर में गई। इसको फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि उसे पता है कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी ट्वीट करो निकल जाओ। कर दिया, देखिए बहुत सारे ट्वीट्स वायरल हुए, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, सबसे पहले डिवोर्स एंड उसके बाद चीटिंग और उसके बाद ये पीआर स्टंट है। बहुत सारे ट्वीट्स का सेम कट कॉपी पेस्ट होना, 3-4 फॉर्मेट्स वायरल हुए थे, और जो ग्रुप्स इस ट्वीट को वायरल करा रहे थे उन्होंने ये सारे ट्वीट्स मैक्सिमम 80% ब्लू टिक वेरीफाइड प्रोफाइल से ही कराए। इन ग्रुप्स के पास ऐसे प्रोफाइल्स का भंडार होता है जो एक ऐसे नेगेटिव पीआर कैंपेन में ही चलाते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ब्लू टिक वाली प्रोफाइल कर रही है ट्वीट, तो बड़ी ही जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही होगी। मेरे भाई नादान बच्चों,
नादान 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 कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा नादान कहूँगा उनको, नादान कहूँ या बेवकूफ़ कहूँ समझ में नहीं आता, जो भी टर्म आपको लगे अच्छा। कैसे? जब तक किसी ने अपने मुंह से बोला नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, हम कैसे उस चीज़ को सच मान लेते हैं, बस मुझे ये समझ में नहीं आता। और ये ब्लू टिक का क्या हो रहा है भाई? ब्लू टिक मतलब ऑथेंटिकेट हो गया, ब्लू टिक वाला आदमी कह रहा है सच है तो सच ही होगा, और जिसके पास ब्लू टिक नहीं है कोई मतलब नहीं है। और तेरे पास ब्लू टिक नहीं है, मेरी बातों का विश्वास नहीं मानता। क्यों? क्या ब्लू टिक ऑथेंटिसिटी का एक निशानी है? ये ब्लू टिक है मेरे पास प्रोफाइल पे, वेरीफाइड प्रोफाइल है, तो मैं कुछ भी लिखूंगा तो वेरीफाइड है। इतने नादान हो भाई तुम बच्चों। पुराने वीडियोस की भी बहुत सारी क्लिप्स काट के वायरल की गई। देखिए, मैंने इंटरनेट पे 1800 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। एक क्लिप वायरल हुई है जहाँ रितु बोल रही है कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सच बता रही, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी यहाँ पे। उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट सर पैर नहीं, बस वो पार्ट को ए वायरल कर दिया भगवान गया। एक क्लिप भाई, वायरल हुई इट्स है टू जहाँ मच। पे लोग कह रहे हैं कि गौरव अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कुछ का एक भी लिख तरीके से देते हैं हिंट दे लोग रहा है। भाई, मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल हैं? अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। ये मैंने देखा था, लोगों ने बहुत मिस इंटरप्रेट किया भाई मुझे इसे, पता तो ये बात कर कुछ रहा भी था कि लोगों भाई ने साहब डाला है। प्यार या और ये दुल्हन। बंदे को वो पता नहीं क्लिप थी क्या जब मैं लखनऊ पर्सनल में था है, और वो लॉ एंट्रेंस की उसी में तैयारी लग कर रहा गया था, दिन मुझे रात, कुछ बोले अच्छा भाई केस मिलता था नौकरी तब तो मैं है नहीं, उसको चलो उसी में एक्सप्लेन लग कर जाते रहा था, हैं। और उस समय मैं वही सब पढ़ रहा था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता तो आप उसको कोई कहीं से भी तार जोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, 1800 वीडियो जब बन जाते हैं ना, तो एक वीडियो मुझसे पूछेंगे, जो एक्स्ट्रा मेरिटल वाला वीडियो है ना, ये मुझसे पूछेंगे गौरव ये किस वीडियो का ढूंढ के बता, तो भाई मुझे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। कोई नॉर्मल बंदा जो इंस्टाग्राम पे अपने दिन के 4-5 घंटे बिता रहा है, वो ये कर ही नहीं सकता कि पीछे जाके इतने सारे डेटाबेस में से खोज के उसी समय विद इन आवर्स वो क्लिप को वायरल कराए ट्विटर पे। ये सब एक प्रॉपर पीआर टीम्स का काम होता है जो बैकएंड पे लगी होती है। कुछ एक लॉबी होती है जो आपके पीछे लग जाती है और उनकी टीम्स दिन रात उसी काम पे लगी रहती है। कुछ लोगों ने कहा कि इनको बिग बॉस में जाना है, इसीलिए इन्होंने ये सब काम किया। यार, बिग बॉस के बिग बॉस इनविटेशन में पिछले सबको 5 साल जाना से है आ रहा भाई, है। एक पता और है सेट बिग पैटर्न जा रहा था, मेरे जो वेडिंग वीडियो है वो बॉस में वायरल हो हो गया, गई। स्वर्ग उन्होंने हो कहा गया। कि जब ओके इनका आ जाओ डिवोर्स एक का सीन बार। आ रहा है तब ये लोगों को इमोशनल ए करने के लिए अपनी भाई, वेडिंग क्लिप्स अब मार्केट में रिलीज करके वायरल कर रहे। इमोशनल तो भाई हिंदुस्तान में लोग इतना है ना भाई, इतना इमोशनल है ना भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ भाई। बेबी मैंने खाना नहीं खाया, बेबी मैं जान दे दूंगा, बस दे दे जा। इमोशनल इतना ज्यादा ऑडियंस ना हमारी भाई, तो बॉलीवुड जब तक इस देश में रहेगा ना। वो वीडियो 2019 में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था। लेकिन क्या है, कुछ लोग आपको नहीं जानते या जानते हैं। हाँ, फ्लाइंग बीस्ट है, 3-4 व्लॉग देखे जो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बने थे। आसमान में भारत देख लिया, चंद्रयान का लॉन्च देख लिया, बट दे नो हु इज, तो उनको पता ही नहीं है, उन्होंने जर्नी फॉलो ही नहीं की। उनको लगता है हाँ शायद अभी इसने वेडिंग क्लिप्स वायरल कराई है। इसके साथ ही पड़ोसियों ने तो ये तक दावा किया कि गौरव तनेजा अपनी वाइफ रितु को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। रितु ने होटल में रंगे हाथों किसी लड़की के साथ गौरव को पकड़ा है। एक रेपुटेड न्यूज चैनल, वैसे तो सारे न्यूज चैनल है, लेकिन मेरे सामने जो वीडियो लगा, न्यूज 18 का एक चैनल है, उसकी एंकर है भावना। उन्होंने भाई केस कर दो भाई सब पे, बहुत पैसा ऐसे मिलेगा, ऐसे रिमार्क्स किए हैं कि कि फेम का आपको केस सुन डालो के सब शर्म पे। आ जाएगी। गौरव को रंगे हाथों पकड़ा एस्कॉर्ट्स के साथ। मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। रितु राठी ने गौरव तनेजा को उसे धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा एस्कॉर्ट्स के साथ होटल रूम। रेडिट पर एक यूजर ने गौरव तनेजा और रितु से रिलेटेड एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, और वो क्या क्लेम कर रही है कि ये किसी रेडिट यूजर ने लिखा है, ना उस यूजर का पता है वो कौन है। कल को मैं भी लिख दूंगा कि भावना जी के हस्बैंड को पकड़ा गया होटल में रंगे हाथों के साथ, खुद ही एक रेडिट पे पोस्ट बना के और उसको अपने यूट्यूब पे चालू कर दूंगा, तो कैसा रहेगा। आगे भावना जी कहती हैं कि जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी तो गौरव बहुत परेशान थे क्योंकि उनको एक बॉय चाहिए था, और गर्ल हुई तो उन्होंने रितु पे अत्याचार चालू कर दिया और इनकी। दिस इज शॉकिंग, दिस इज एक्चुअली शॉकिंग। ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में इतना शॉकिंग है, मतलब आप कुछ भी हवा में से आप चीजें बना रहे हो या आउट ऑफ थिन एयर। बना रहे हो, कुछ कुछ भी निकल जाएगा इसमें से, दिस इज डिस्गस्टिंग भाई। इन्हें लीगली इनके पीछे जाना चाहिए, बिकॉज ये तो लिटरली यार एक पर्सनल अटैक की, मतलब आप डिफेम कर रहे हैं किसी को, किसी के लिए एकदम से आप पर्सनली उसको डिफेम कैसे कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी चीज के। आई मीन डिफरेंसेस चालू हो गए। बहुत सीरियस गलत इशू तब हुए जब कपल दूसरे
दूसरी बार प्रेग्नेंट था। गौरव की ओर से साफ दबाव था कि वे एक लड़का चाहते हैं। जब एक बच्ची का जन्म हुआ तो गौरव और उनकी फैमिली बहुत निराश हुए। मतलब आप इन बड़े न्यूज चैनल्स और रिपोर्टर्स की मानसिकता देखिए, इनकी पर्सनल मानसिकता ही है जो वीडियो के द्वारा निकल के आती है। उन्होंने ये भी कहा जो वो सोचते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो ऑनलाइन पे गौरव के फोन से ये भी पता चला कि गौरव को संदिग्ध वेबसाइटों पर ऑनलाइन पेड सेक्स सर्विसेज मिलती है। अरे कौन है ये? ऋतु ने रंगे हाथों पकड़ा। वीडियो के एंड में ये रिपोर्टर्स बड़े कन्वीनियंटली कह देते हैं कि ये वेरिफाइड नहीं है। हाल ही में ऋतु ने गौरव को फिर किसी के साथ उसे धोखा देते हुए पकड़ा जब वो होटल रूम बुक कर रहा था। न्यूज 18 की टीम भी इस दावे की पुष्टि नहीं करती, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सेटल्ड लॉ है कि आप अगर किसी चीज को रीपोस्ट करते हैं, ट्विटर पे रीशेयर करते हैं, कहीं पे भी रीशेयर करते हैं, या किसी और यूजर के लिखे हुए किसी भी पोस्ट को पढ़ते हैं, तो दैट इज कंसीडर्ड एज गुड एज पब्लिशिंग दैट रिपोर्ट। और आखिरी में सिर्फ एक डिस्क्लेमर दे देना, वो आपकी वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर आता है और आपको उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मीम पेजेस भी एक्टिव हुए। देखिए, मीम मार्केटिंग आजकल एक बड़ा इफेक्टिव टूल है अपनी बात को एक फनी वे में लोगों तक पहुंचाने। बट दिस इज नॉट ओके। आई मीन मीम मार्केटिंग का सहारा लेते हैं, ये कोई फ्री में नहीं होती। जो बहुत सारे मीम पेजेस बने बैठे हैं, इनके एडमिन्स होते हैं फ्री में काम। आजकल फ्री में काम कोई नहीं करता, पैकेज दिया जाता है। वो लोग बोलते हैं 5 से 10 मीम बना के भेजेंगे, आप 3 सेलेक्ट कर लेना। 3 मीम्स का पैकेज यूजुअली मार्केट में चलता है। तो अगर आप देखेंगे मीम पेजेस ने भी विद इन अ डे 3-4 मीम्स निकाल के उसको वायरल करा दिया। तो अगर आप इतना एक वेल कोऑर्डिनेटेड पूरा सिनेरियो देखेंगे इंटरनेट पे, जहाँ पे आपको बम्बार्ड किया जा रहा है विद इन 3-4 डेज, सब कुछ ब्लास्ट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं आप बिलीव करने ही लगेंगे कि ये पीआर स्टंट था। इसमें यूजुअल ऑडियंस की कोई गलती है ही नहीं। लेकिन अब सवाल आता है कि ये पीआर कैंपेन चला कौन रहा था? देखिए, राइट नाउ गाइस, आई एम नॉट एट एन एज एंड पोजिशन कि मैं पब्लिसिटी के लिए चीप स्टंट्स करूँ। There is a certain group that attacks me every time. वो टाइम चला गया क्योंकि उनको शायद ये नहीं हो पाता कि एक सेंसिबल बंदा, एजुकेटेड बंदा, वो अपने कल्चर और धर्म के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। देखिए, सबसे पहले वो हवन वाला इंसिडेंट, जब पुराने घर में गृह प्रवेश करे तो हमने हवन कराया था और मैंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद सब लोगों ने मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे एक सवाल खड़ा कर दिया कि IIT से हो के भी ओल्ड वैदिक प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता है। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि केमिस्ट्री के शायद फंडामेंटल लॉज ये नहीं जानते, क्योंकि कंबस्शन में जो COX, NOX, SOX गैसेस निकलती हैं वो उनको शायद पता नहीं है। देखिए, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजों में जो कंबस्शन और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है वहाँ बिल्कुल वही पढ़ाया जाता है कि वो बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ, लेकिन आपको बता दूँ अभी हज़ारों रिसर्च ऐसी हो चुकी है हवन और अग्निहोत्र के ऊपर, जिसमें से कि एक रिसर्च आपको बताता हूँ जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के अंडर हुई थी। वहाँ पाया गया था कि हवन करने से माइक्रोब्स इन द एयर कम होते हैं, SOX, NOX कम होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, जो माइक्रोबियल काउंट है एयर में पैथोजेंस का, देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ 55% इन बैक्टीरिया, 15% इन फंगाई, 79% इन पैथोजेंस ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर द यज्ञ वाज ओवर। और यज्ञ के पहले दिन देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ 47% इन NO2, 60% ऑन द नेक्स्ट डे। इन केस ऑफ SO2 रिडक्शन वाज 86% ऑन द डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट 100% ऑन द नेक्स्ट डे, क्योंकि जो SO2 के लेवल्स थे वो डिटेक्शन लेवल के नीचे थे। अगर आप ग्राफ अच्छा मतलब एक चीज मैंने देखी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता है, लोग ना कम नॉलेज के साथ ज्यादा बोलते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने जितने भी अभी तक अपनी लाइफ में देखे हैं ना, जिनको कम नॉलेज है वो ज्यादा बोलते हैं, और जिनको नॉलेज है वो कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से नहीं बोल पाते। तो इन्होंने हवन वाला बिल्कुल सही बताया इसमें। आप भी देखेंगे, प्लॉट किया एक्सपीरियंस किया यज्ञ के पहले और यज्ञ के बाद NO2 और SO2 और SPM के लेवल्स क्या थे, उसमें रिमार्केबल डिफरेंस था। इसके बाद आ जाता है ईयर पियर्सिंग का इशू। हमारी जो बड़ी बेटी है उसकी ईयर पियर्सिंग होती है। देखिए, हमारे धर्म में 16 संस्कार होते हैं और ईयर पियर्सिंग उसमें से ही एक संस्कार है जो कि सबको करना चाहिए जो भी बिलीव करते हैं अपने धर्म में। जब हमने वो किया तो हमें एक इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट बोल दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और इसको चाइल्ड अब्यूज से। भाई ये चाइल्ड अब्यूज उन लोगों को याद आ गया है, हेलो चाइल्ड अब्यूज उन लोगों को याद आ गया है, बिकॉज ये किसी पॉपुलर इंसान ने करा है। बाकी अदरवाइज हमारे यहाँ रोड पे बच्चे घूमते रहते हैं तो किसी को कुछ याद नहीं आता। ओ, देयर इज नॉट चाइल्ड अब्यूज, कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, सब कुछ ठीक है भाई। वो लोग कर रहे हैं अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो पढ़ता भी है स्कूल में जाके, बाय द वे। तब किसी को याद नहीं आता ये चाइल्ड अब्यूज इन ऑल, ये जितने भी सब टर्म्स है ना, बड़ी बड़ी बातें, ये सब तब आती हैं जब कोई फेमस इंसान करेगा ना। बाकी तो चलता है, रोड पे निकल जाओ, रोज सुबह जाओ कभी रोड पे, आपको गाड़ी में आते हुए दिख जाएंगे भैया कुछ दोना खाने को पीने को, वो कुछ नहीं है, भूल जाओ उसे।
लिंक कर दिया गया। इसके लिए हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और सिंपल सी एक बात रखी कि कुछ धर्म में सर्कमसिजन होता है या खतना होता है, क्या उसको भी आप चाइल्ड अब्यूज बोलेंगे? ऑपोजिट पार्टी थी हिंदुस्तान टाइम्स, सबके मुंह बंद हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अच्छे से फटकार भी लगाई और वो आर्टिकल टेक डाउन करने के लिए भी बोला। इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था मेरे बर्थडे पे दिल्ली मेट्रो का, 2 बजे का मीटिंग टाइम था, 1:30 बजे का, जिनको पता नहीं है वो एफ आई आर नहीं थी ना, वो इंसिडेंट कि वो एक इमैच्योर डिसीजन था। आप लोगों को पता होगा कि सिनेरियो क्या हुआ, रितु ने सरप्राइज प्लान किया था, इट वेंट अदर वे अराउंड। 1:30 बजे भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन भीड़ 12 बजे से लगना वहाँ शुरू हो गई होगी। 1:30 बजे चमत्कारिक सब लोग एक तरह आने गए होंगे एक साथ। पुलिस बैठी रही, जब भीड़ लग रही थी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान तब नहीं रखा, ट्रैफिक का ध्यान नहीं रखा। 11:30-12 से वहाँ भीड़ लगना चालू हो गई थी रोड पे। पुलिस ने वहाँ राउंड भी लगाया, बट दे वर वेटिंग फॉर मी टू कम, यहाँ कुछ होगा इसको अरेस्ट करेंगे। जब मैं वहाँ उतरा तो कुछ ऐसे लोग वहाँ आ गए थे जो मुझे जहाँ जाना था, हमारे पास जिस मेट्रो स्टेशन की परमिशन थी, वहाँ से ड्राइव करके मुझे वो इस मेट्रो स्टेशन ले गए। अब जब मैं उस मेट्रो स्टेशन गया, वहाँ की परमिशन नहीं थी, मुझे अरेस्ट करके वो पुलिस स्टेशन लग गए। रितु और बच्चों को इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो करेक्ट मेट्रो स्टेशन पर थे, मेरे जो पर्सनल वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग थे उनको बाहर कर दिया गया। कुछ संदिग्ध लोग इनर सर्कल में आकर, इतनी भीड़ थी, क्राउड जहाँ जा रहा था मैं वहीं जा रहा था, वो मुझे वहाँ ले गए और ये पूरा इंसिडेंट हुआ। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस वॉज इन अ रश टू सर्कुलेट माई अरेस्टेड इमेजेस विद द मीडिया विद द इंटेंशन, आप गैस लगा लीजिए। देखिए, जो धाराएं FIR की मुझ पे लगाई गई थी मेट्रो स्टेशन केस में, उसकी मैक्सिमम सेंटेंस 6 months होती है और एज पर दी लॉ CRPC में लिखा हुआ है, नया वाला भी है, नाम चेंज हो गया, कि किसी भी ऑफेंस में 6 महीने से कम का सेंटेंस होता है, पुलिस को उसकी इन्वेस्टिगेशन 90 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है, एक्सटेंशन लेना भी, तो मैक्सिमम 6 months का एक्सटेंशन मिल जाता है। आज की डेट में खड़े यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 2.5 साल हो चुके हैं, पुलिस की तरफ से मुझे कोई भी इंटीमेशन नहीं आया है कि उस FIR का क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उन्होंने क्या पाया, 0। अब बात कर लेते हैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस वाली चीज़ की, जो बहुत लोगों को याद होगी। 2020 मई में मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस का वीडियो बनाया था, उसके 1 साल बाद मैंने अपनी BMW कार ली थी और BMW कार की पहली राइड मैंने कहा था, हम लोग उस समय लखनऊ में थे तो अयोध्या में ही करेंगे। जब वो कार ली उसके बाद अयोध्या गए, उसके बाद लोगों ने वो फाइनेंशियल क्राइसिस वाले इशू का मीम बनाना सर्कुलेट किया पूरे 1 साल बाद, और मैं उसका क्लैरिफिकेशन दे भी चुका था 2020 में, जो मेरी सेविंग्स थी 2020 में, मेरा चैनल उतना नहीं चढ़ा था लॉकडाउन के जस्ट स्टार्टिंग में, लॉकडाउन में मेरे को ग्रोथ मिली थी, उसके पहले उतना नहीं हम कमाते थे यूट्यूब से, पर जितना भी कमाया था पायलट जॉब से और यहाँ से, हमने एक पीस ऑफ लैंड में इन्वेस्ट किया था। वो पीस ऑफ लैंड में कुछ दिक्कत आ गई थी, उसमें कुछ लीगल केस हो गया था और काफ़ी सारे लोगों ने आसपास की ज़मीनें में इन्वेस्ट किया था, वो कमर्शियल लैंड थी, तो वो केस फंस गया वहाँ पे। और आपको पता है सरकारी केस है कब तक चलते हैं, जब तक वो केस चलता ना उस पर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना कुछ, तो वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस था हमें। और उसके एक बार पेमेंट भी फंस गई थी क्योंकि मैंने कहीं से लोन लेके पेमेंट की थी। हाँ, ये वाला मुझे व्लॉग याद है, कभी तो गई थी कुछ काम से, तो उनका कुछ लैंड का केस, तो और ऊपर से हमें उस पर 15% पेनल्टी भी लग गई थी, और उस टाइम मेरी पायलट की जॉब भी चली गई थी, तो मेरे लिए सही में वो एक स्ट्रेसफुल सिनेरियो था। फाइनली हम लोगों ने उसमें कहा कि यार हमें आगे केस में नहीं जाना, हम सब ने 15-20 लोग थे, हमने कहा हम थोड़ा लॉस सह लेंगे बट ठीक है, हमें वो पैसा वापस दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। तो ये पूरी स्टोरी थी उसकी। 1 साल बाद जब वो पैसा आ गया, फिर यूट्यूब में एक ग्रोथ भी मिली, और आपको पता है एक यूट्यूबर 1 साल में कितना कमा सकता है, तो एक BMW कार अफोर्ड कर सकता है वो। बट मीम पेजेस ने उसको इशू बनाया, फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत बड़ा इशू बनाया, और जिन लोगों को पूरी स्टोरी नहीं पता वो बस यही सोचते हैं कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस था, बेवकूफ बनाया लोगों को, और शायद 1 महीने बाद कार खरीद ली। और उसके बाद तो रिसेंट ये मैरिज वाला इंसिडेंट आपको पता ही है, कैसे सब लोग एक्टिव हुए, ट्विटर पे कोऑर्डिनेटेड पोस्ट गए, क्रिएटर्स ने सारे ने वीडियोस बनाई, लेकिन इतना सारा अगर आप सोचेंगे PR हुआ है तो काफी सारा पैसा उस लॉबी ने खर्च किया होगा इसको इतना बड़ा वायरल कराने के लिए। अगर ये PR स्टंट ही होता और हमें इससे कुछ गेन करना होता, तो जब ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी मैं तो रोज ब्लॉग पोस्ट करता, मैं तो रोज बताता कि आज ये हुआ, रितु भी रोज ब्लॉग पोस्ट करती, तभी तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज क्या फायदा उठाएंगे आप। जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था तो थोड़े लॉयर्स ने भी रितु को कॉन्टैक्ट किया, और वो लॉयर्स सरप्राइजिंगली उसी लॉबी से थे जो हमें अपोज करते हैं। एंड जब मेरे हिंदुस्तान टाइम्स का केस भी हुआ था तो ऑपोजिट पार्टी से भी उनमें से कुछ लॉयर्स वहाँ पे भी खड़े थे, तो उनको लगा शायद अब तो उनका घर टूटने वाला है, घुस के और जल्दी तोड़ते हैं। देखिए, बहुत लोग इस सिचुएशन में साथ खड़े भी रहे, जो भी ईमेल्स और DMs मेरे को आए वो 99% ऐसे थे कि वी लव यू, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो और गेट बैक टुगेदर। कमेंट सेक्शन में आप देखते हैं तो एक अलग पिक्चर पेंट होती है, वहाँ पे लोग बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। देखिए, एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, हर लंबे रिलेशन में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, सब लोग एग्री करेंगे, किसी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट वही है ना, इमैच्योर जो लोग होते हैं ना वो, उनको समझ में नहीं आएगा, उनके लाइफ में जब ये चीज़ें आई, ये फेज आएगा तब उन्हें समझ में आएगा, बट वही है, जब तक नहीं आया तब तक उनको बहुत आसान लगता है मजाक उड़ाना किसी का, फिर जब उनका मजाक उड़ेगा ना उनकी अपनी रियल लाइफ में, तब
तब समझ में आया कि नहीं भाई यार, ये ऐसे मजाक में उड़ाओ यार, मजाक में उड़ाओ यार, तब समझ में आया। किसी को कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है, और हमने भी इसको डिस्क्लोज करने का फैसला नहीं किया। जो भी बात हुई वो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो में जो हुई थी उतनी ही हुई थी। तो 10 लोगों के 10 ओपिनियन बन जाते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो 5 लोग अपने छोड़ देते हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में हर प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करते हैं। ट्विटर वही है ना, जैसे वो एक के बाद एक ना एक चेन रिएक्शन होता है, फिर वो चेन रिएक्शन घूमता रहता है, फिर उसके बाद में जो मुझे पता चलेगा उसमें 10 में और ऐड करूंगा, उसको आगे बचाऊंगा, फिर वो 10 और ऐड करेगा अपने आप से। तो वो जो कहानी है ना, फिर वो होती इतनी है शुरुआत में, फिर उसके बाद वो फैलती चली जाती है, मतलब पूरा एक एक जाल बन जाता है उसका। पे जाएंगे, फिर समझ में नहीं आता इसका रूट क्या है। मीम मार्केटिंग करेंगे, मीम मार्केटिंग आपको पता है कितना ज्यादा शेयर होता है। तो अब जो 10 लोग हैं जो अलग अलग सोच रहे थे, इन 5 लोगों को देख के वो भी यहीं पे आ जाते हैं, उनको लगता है हाँ, और फिर उन 15 लोगों को देख के बाकी 50 लोग और आ जाते हैं, और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है, और एक टाइम के बाद पूरा सोशल मीडिया चेन रिएक्शन का पड़ता करने लगता है, जहाँ पे जो ग्रुप सॉल्व हो जाता है। देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो से सहमत नहीं होंगे, उनको लगेगा कि पीआर स्टंट हमने करवाया। देखिए भगवान ने सबको बुद्धि और विवेक दिया है, आप उसका यूज करके अपना नहीं कर निकाल सकते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थैंक यू सो मच, कौन इस्तेमाल करना चाहता है इसका? जो भी लोग मैं रील्स खोलूंगा वहां पे ज्ञान दे दूंगा, थैंक यू नहीं कर पाया, बट इस वीडियो के माध्यम से आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। जय हिंद। नाइस वीडियो, नाइस कमबैक, एंड थैंक यू सो मच गौरव फॉर द क्लेरिफिकेशन भाई, ये जरूरी भी था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कितना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, मतलब हैरान हो गया भाई मैं भी देख के कि आजकल ना इंटरनेट चीप तो हुआ है, पर इंटरनेट चीप होने की वजह से बहुत चीप लोग भी इंटरनेट पे आ गए हैं, जो बहुत चीप पीआर स्टंट्स करते हैं, बहुत चीप हरकतें करते हैं फेमस होने के लिए, उनको तुरंत फेमस होना है कि बस आज मैंने कुछ किया कल से मैं उठूँ और ओह माय गॉड आई एम फेमस, ऐसा नहीं होता, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स भाई, ऐसे काम नहीं करती चीज़। और अगर चलो ठीक है तुम हो भी गए कच्चा बादाम वाले अंकल की तरह, तो ज़्यादा समय तक रहोगे नहीं, कुछ महीने चलोगे उसके बाद नहीं चल पाओगे भाई, क्योंकि तुम्हें इंस्टेंट फेम मिला है किसी एक चीज़ की वजह से जो तुम करते हो, जो कि रिपीटेटिव एक्ट है जो तुम बार बार रिपीटेडली करते रहते हो, जो लोगों को फनी लगा, अच्छा लगा, या फिर वो जो भी था वो उनको हिट किया, उस एक्ट की वजह से उन लोगों ने तुम्हें एकदम से बूस्ट दे दिया। पर बाद में समझ में आता है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि उसके अलावा तो कोई टैलेंट और कुछ था नहीं तुम्हारे पास देने के लिए, वो इंस्टेंट डोपामाइन हिट हुआ, लोगों ने तुम्हें आसमान पे सिर पे बिठाया, फिर उसके बाद में कुछ और चीज़ उनको सुनने में आती देखने में आती है, वो फिर से डोपामाइन हिट करता है, और वंस अगेन उनका पूरा अटेंशन शिफ्ट हो जाता है दूसरे पर्सन की तरफ, एंड देन यू आर गॉन, यू आर नो वन टू देम। तो या अगर इतना लंबी रेस के घोड़े बनो भाई, अगर लंबे समय तक रेस में दौड़ना है तो कुछ ऐसा करना होगा आपको जो लंबे समय तक आपके साथ चले, वरना नाचो कुछ भी करो, उधर से कूदो उधर से कूदो उधर उधर चले जाओ, सिर पर उल्टा खड़े हो जाओ, कीचड़ डालो कीचड़ में लेट जाओ, नाले का पानी पी लो, मिल जाएगा फेम भाई, मिल जाएगा, इतना इतना एफर्ट मारोगे तो मिल ही जाएगा, जब अपने आप को तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे तो मिल ही जाएगा इंस्टेंट हिट, बट वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा साथ में, टू बी ऑनेस्ट नहीं रहेगा। तो या आई मीन वीडियो काफ़ी अच्छा था, और जो लोग इन्हें नहीं जानते हैं या फिर सिर्फ वो डाइवोर्स वाला सीन सुन के इनको जानने लगे थे, प्लीज़ जाके इनका थोड़ा सा व्लॉग्स वगैरह देखो, उनके बारे में थोड़ा जानो पहचानो समझो कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज़, ये कौन बंदा है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या इसने चीज़ें अचीव करी लाइफ में अभी तक अपने पूरे करियर में यूट्यूब के, देन उसके बाद में हो सके तो थोड़ा सोच समझ के जज करना, बिकॉज एकदम से किसी एक टॉपिक को देख के कई लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा इससे पहले, और वो एकदम से आगे कूद पड़ते हैं टॉपिक में और पूरी कन्वर्सेशन के बीच में, जो कि बहुत गलत है। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड बाकी ऑफकोर्स आप लोग सब समझदार हैं, अगर आपके पास दिमाग है जज करें सिचुएशन को अपने आप, थोड़ा सोचें समझें, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।